जो पेपर पूछे जाते हैं, पेपर में क्वेश्चन आते हैं, वो स्टार्ट होती है हिस्ट्री हमारी 712 से, 712 मोहम्मद बिन कासिम। तो 712 मोहम्मद बिन कासिम से आज हमने स्टार्ट करना है और दिल्ली सल्तनत तक इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे। तो स्लाइड शेयर हो रही है आपके साथ? जी मैम, अच्छा, मुस्लिम रूल इन सब कॉन्टिनेंट, इसमें सबसे पहले हैं मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम देख लेते हैं कि इनकी हिस्ट्री क्या है। ये 712 में इन्होंने सिंध को फतह किया। कॉन्टिनेंट में मुसलमान क्यों आए? इसकी वजह ये है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो उस वक्त हुकूमत थी, वहाँ पे राजा दहर की हुकूमत थी। राजा दहर जो हैं वो इधर पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उनका राज था। और ये जो हैं, ये किस कम्युनिटी से थे? ये ब्राह्मण थे। आपको पता है कि हिंदू मज़हब में चार जातें हैं, जो है वो उनमें बेहतर बदतर इस तरह करके उन्होंने उसको डिवाइड किया हुआ था। उनमें से सबसे पहली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं। तो ये जो राजा दहर है, ये क्या था? ये अलैकुम। ब्राह्मण से इसका ताल्लुक था। और ये जो है, ये पहले यहाँ पे जो राज था, इससे पहले ये उनका वजीर था, ठीक है? ये राज सहायक चच नाम था, राजा चच नाम था राजा दहर के फादर का। तो वो राज सहायक के राज सहायक कर रही हैं मिस लुबना जो हैं। मिस लुमना, आप मोबाइल से क्लास ले रही हैं? मैम स्क्रीन शो हो रही है। ये हाँ स्क्रीन जी शेयर मैम, हो मैं रही है, मोबाइल आप से ले मोबाइल रही को हूँ। ना आज लंबे। लैपटॉप जो है ना, वो उसमें प्रॉब्लम थी, तो मैंने कहा सुबह उसको कर लूँगी। रिकॉर्डिंग नहीं मैं कर सकती आज, तो सॉरी इसके लिए। वैसे रिकॉर्डिंग नोट्स मैं अब पहले भी मैंने रेडी किए हैं, और अभी वाले भी मैं साथ साथ कर रही हूँ, वो मैं मैं ये शेयर कह कर रहा हूँ, दूंगी। मोबाइल को सीधा करके पकड़े ना लंबाई के रोक, तो वो स्क्रीन थोड़ी बड़ी नजर अच्छा, शो ओके होती है ओके फिर सर, उसमें ओके चीजें। सर, मुझे समझ आ गई। हाँ जी, हम बात कर रहे थे राजा दहर की। तो राजा दहर जो हैं, ये इनका ताल्लुक ब्राह्मण से था, और इनके जो फादर थे, इनके बारे में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है कि राजा दहर के जो फादर हैं, उनका नाम क्या है? तो इनका नाम चच था। और ये जो चच थे, ये किसके वजीर थे? ये राज सहाय थे। राज सहाय जो हैं वार थे, उनका जो मजहब था वो बुद्धिस्ट
हाय कि जो डायनेस्टी है सल्तनत को ख़त्म कर दिया उनके वजीर चच ने, और ये चच का बेटा जो बहुत फेमस है उसमें इनका नाम है राजा दहर का, ये चच के बेटे थे और ये ब्राह्मण थे। ब्राह्मण जो है वो बहुत अच्छी जात कंसीडर होती थी हिंदू मज़हब में, और अभी भी इनका ये सिस्टम है वहाँ पे हिंदुओं में। तो राजा दहर जो हैं इनकी हुकूमत थी, और हुआ कुछ यूं कि उस वक्त जो है अगर मुसलमानों में देखा जाए तो कौन खलीफा थे उस वक्त, कौन सी सल्तनत चल रही थी वहाँ पे, और उस वक्त चल रहा था खुलफाए राशिदीन का जो इख्तिताम है वो 660 AD पे होता है। 660 AD पे खुलफाए राशिदीन का एंड हो जाता है। लुबना स्क्रीन नहीं शो हो रही, लुबना इज प्रेजेंटिंग हो रहा है लेकिन ऊपर आपके सिग्नल वगैरह शो हो रहे हैं, स्क्रीन नहीं आ रही। सिक्स स्क्रीन सिक्सटी में स्क्रीन शो हो रही है लेकिन स्क्रीन वो नहीं शो आ हो रहा रही है टॉपिक लेकिन जो नहीं आ रहा टॉपिक जो हाँ है जी टॉपिक नहीं आ रहा, स्क्रीन आपकी हो रही है कि आप शो आपने की हुई है लेकिन जो आज का टॉपिक है स्लाइड नहीं शो हो रही। तो जो हमारा खुलफा राशिदीन का दौर है ये 660 पे आके ख़त्म होता है, 660 AD पे आके ख़त्म होता है, और 661 से जो सल्तनत स्टार्ट होती है वो उमैया डायनेस्टी का स्टार्ट होता है, उमैया सल्तनत का। ठीक है, तो उमैया सल्तनत के जो उस वक्त के खलीफा वक्त थे उनका जो नाम है वो वलीद बिन मालिक थे उस वक्त खलीफा वहाँ पे। और ये जो वलीद बिन मालिक हैं जो है इनका इशू कैसे बना और ये वजह क्या बनी यहाँ पे मुसलमानों के जो है वो हमला करने की वजह क्या हुई? हाँ जी अब स्क्रीन शो हो रही है, लुबना छोड़ दें हम। हाँ जी, तो ये 660 में हमारा पेडागोजी की आज क्लास नहीं है, पेडागोजी की क्लास कल होगी, आज 8 से 9 जनरल नॉलेज की क्लास होगी सिर्फ। तो 660 में हमारी जो सल्तनत खुलफा राशिदीन का जो है वो अख्ताम होता है, उसके बाद जो सल्तनत है वो उमैया थी जब का ये वाक़या है राजा दहर और मोहम्मद बिन कासिम का। उस वक्त ये है जो उस वक्त के खलीफा वक्त थे जिनका नाम था वलीद बिन मालिक। वलीद बिन मालिक जो हैं ये जो हमारा श्रीलंका है जिसे उस वक्त साइलोन को कहते हैं टेयर ऑफ जो है टेयर ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के साथ इंडिया को अगर साउथ में इंडिया के को देखें अगर मैप में तो वहाँ पे एक छोटा सा एक ना कंट्री है, आइलैंड कंट्री है, उसका नाम श्रीलंका है। अब थे तो मुस्लिम बादशाह ने जो है उसके पास जो है कुछ लोग आए, गेस्ट आए, मेहमान आए उनके पास अरब से, और उन्होंने वापसी पे जाते हुए 8 जो उनके बेड़ी बेड़ी हथियारे थे उनमें उन्होंने क्या किया कि तहाइफ भेजे। तोहफा तहाइफ किसके लिए थे? जो उस वक्त के खलीफा थे जो पूरी जो है हमारी जो सल्तनत थी उमैया सल्तनत को चला रहे थे डिफरेंट एरियाज में, इराक, ईरान, अफगानिस्तान तक, ये सारी कहाँ से शुरू होती थी, स्पेन से लेके यूरोप से लेके ये सारी जो है सल्तनत फैली हुई थी और उसको एक ही खलीफा चला रहे थे उस वक्त। उनका नाम था हमारे पास जो है ये जो इस दौर की बात हो रही है वलीद बिन मालिक। वलीद बिन मालिक के जो तहाइफ जा रहे थे वो जब इधर से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में से अरेबियन सी जिसको हम बहिरा अरब कहते हैं यहाँ से जब वो बेड़े गुजर रहे थे तो यहाँ पे एक पोर्ट थी, बंदरगाह थी जिसका नाम था दीबल। दीबल के मकाम पे जो हिंदू थे हिंदू डाकुओं ने उन 8 के 8 बेड़ों को लूट लिया, उसमें औरतें भी थीं जो किस मकसद से जा रहे थे अरब की तरफ जो है वो हज के मकसद से जा रहे थे, वापस जा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि औरतों को ज्यादती का निशाना बनाया और जो जितने भी तोहफा तहफ थे उन बेड़ों को लूट लिया। जब इन लोगों ने जो लूट चुके थे उन्होंने खत भेजा खलीफा जो थे उस वक्त के वलीद बिन मालिक को, तो
जो है ये उस वक्त किस में आता था, जो उमैया सल्तनत थी उसके अंडर आता था इराक, और ये जो जितने भी कंट्रीज हैं इनको आगे। जी मैम जी ये ये दोबारा श्रीलंका बता, से दोबारा बता दीजिए। श्रीलंका से मैंने बताया है कि श्रीलंका जो है यहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे अरब से, गेस्ट थे वो, साइलोन श्रीलंका में आए हुए थे, और जो उस वक्त के बादशाह थे श्रीलंका के वो मुस्लिम थे, मुस्लिम बादशाह थे। उन्होंने तोहफे तहाइफ भेजे किसके लिए, वलीद बिन मालिक के लिए। अब ये 8 बेड़े जब यहाँ से श्रीलंका से रवाना होते हैं तो इंडियन ओशन के थ्रू ये सफ़र कर रहे थे, ठीक है, और बहीरा अरब जिसको अरेबियन सी कहते हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान के साउथ में है वहाँ पे है, तो वहाँ से जब ये बेड़ा गुजरे तो इनको लूट लिया गया दीबल के मकाम पे। और उस वक्त 712 का ये टाइम था, और उस वक्त यहाँ पे जो हुकूमत, नहीं 712 से पहले का टाइम है ये, कुछ साल पहले की बात है। उस वक्त जब ये यहाँ से बेड़े गुजरे तो राजा दहर हुकूमत कर रहे थे इधर इंडिया, इंडिया में पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, तो ये जो बेड़े हैं ये लूट लिए गए। जब लूटे हुए बेड़ों का खत जो है वो उधर पहुँचा उस वक्त के खलीफा वक्त तक, तो उन्होंने अपने गवर्नर, जो इराक के गवर्नर थे जिनका नाम था हजाज बिन यूसुफ, और जिनके बारे में हिस्ट्री में ना बताया गया है कि वो बहुत ही जालिम जाबिर बादशाह हुक्मरान रहे हैं, बहुत सख्त गवर्नर थे, बहुत सख्त उनके कानून हैं, उन्होंने बड़े बड़े लोगों को बड़ी बड़ी बुरी तरीके से, मोहम्मद बिन कासिम को और हजाज बिन यूसुफ को एज ए हीरो ही लेते हैं। इंडियन हिस्ट्री है या बाकी लोगों की हीरो हैं, इसकी वजह ये है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो हमारे यहाँ मुसलमानों का दौर शुरू हुआ है उसके पीछे हाथ जो है वो हजाज बिन यूसुफ का है, और उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम का है। हजाज बिन यूसुफ को खत लिखा राजा दहर को कि आपके इलाके में दीबल के मकाम पे हम जो और ये कबीला भी काफी जो है इसको बोलते थे अलाफी, अलाफी अरब के इलाके के लोग थे, और ये वहां से जो अरब के मुसलमान हैं उनको इंडियन ईरान तक, अफगानिस्तान तक थी, वो जस्ट मुसलमानों को प्रोवाइड करते थे ये उन्हें गया। उसके बाद दोबारा उन्होंने एक जो है वो काफला भेजा, वो भी हार गया। तीसरी बार उसने भेजा मोहम्मद बिन कासिम को बहुत बड़े लश्कर के साथ, वो तकरीबन कोई 1 लाख फौज के साथ मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। मोहम्मद बिन कासिम जो है ये 695 में पैदा हुए, 695 में मोहम्मद बिन कासिम को, और ये जब 712 में इन्होंने हमला किया है तो ये 17 सालों के थे, 17 ईयर्स के थे। और इन्हें क्यों इतना जो है प्रेफर किया गया इतनी थोड़ी उम्र में, हजाज बिन यूसुफ ने इन्हें ही क्यों सपा सलार बना के भेजा? एक तो ये हजाज बिन यूसुफ के भतीजे थे और दूसरा ये उनके दामाद थे, तो इन्होंने जो है उनको सपा सलार बना के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है राजा दहर की सल्तनत पे हमला करने के लिए भेजा। और ये मकरान, मकरान का मकाम जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि मकरान के मकाम पे जो मोहम्मद बिन कासिम हैं इन्होंने कितने जो है वो कितना टाइम वहाँ पे क्याम पजीर किया, तो 1 महीना तक ये जो प्लानिंग करते रहे मोहम्मद बिन कासिम की आर्मी, कुछ जो है वो आ रही थी समुंदर के रास्ते से और कुछ ज़मीनी रास्ते से। ज़मीनी रास्ते से जो काफला आ रहा था वो मोहम्मद बिन कासिम को
के साथ आ रहा था और वो इधर से इराक ईरान वाले रास्ते से गुजर के आके मकरान के मकाम पे, ये मकरान का मकाम जो है ये ईरान और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे है मकरान एरिया। तो मकरान के एरिया पे आके इन्हें रुकना पड़ा, उस जो इनकी फौजें थी जो समुंदर के जरिए से आ रही थी, इंडियन ओशन के की तरफ से आ रही थी इधर इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसके पास आके रुकना पड़ा और स्टे किया यहाँ पे। किस लिए स्टे किया, इसकी वजह थी कि वो बाकी फौजें भी इनको आके मिलने और ये एक बहुत बड़े लश्कर के साथ इस दफ़ा चढ़ाई करें राजा दहर पे और उसको इस दफ़ा नुकसान पहुँचाएं ठीक ठाक और यहाँ पे कब्जा कर सके। तो ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि मकरान के मकान पे कितना टाइम स्टे करना पड़ा मोहम्मद बिन कासिम को, तो वो है यहाँ पे महीने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जिन्होंने ये पहले जो हैं वो रहे जो यहाँ पे गवर्नर रहे मुस्लिम गवर्नर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 715 में। कुछ जो थी ये दो बेटियाँ थी राजा दहर की, उन्होंने इनकी शिकायत की हजार बिन जो हैं यूसुफ से और खलीफा वक्त से कि जब हमारे ऊपर चढ़ाई की गई, हमला किया गया मोहम्मद बिन कासिम की तरफ से, तो हमारे साथ बहुत ज्यादतियाँ की गई हैं। उसकी वजह से जो उस वक्त के खलीफा वक्त थे वो वलीद बिन मालिक नहीं थे, वो सुलेमान बिन मालिक थे। उन्होंने क्या किया, सलमान ने इनको वापस बुलाया, इनको वापस बुला लिया उधर इराक में और इनको जो है वो कैद में रखा गया। कुछ लोग ये वजह बताते हैं और कुछ आ जाता है कि इसकी ये झूठ था जो बोला गया उनकी तरफ से, वो जो दो औरतें थीं जो राजा दहर की बेटियां थीं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 715 में इनको वापस बुलाया गया और इराक में इनको कैद किया गया और इराक में ही इनको जो है वो कत्ल करवा दिया गया था मोहम्मद बिन कासिम को। और ये जो इनका ड्यूरेशन है गवर्नर होने का वो 712 से 715 तक। उसके बाद स्लाइड शो नहीं हो रही लुबना, उसके बाद जो हमारी उमैया सल्तनत के बाद हमारी स्टार्ट होती है अब्बासी सल्तनत, और उसका जो टाइम पीरियड है वो ये रही है 765 के 95 तक, हम जैसे ही कंफर्म नहीं है। स्क्रीन शो नहीं हो रही इस लुबना, मैं कर कर रही रही हूँ हूँ दूसरी कौन स्लाइड। सी, वही जो फर्स्ट स्लाइड है वही वही वाली शेयर कर दे। ये वाली है मैं वो मकरान के मकाम पे 1 महीना रुके। मकरान के मकाम पर 1 महीना रुके थे और जो है इसके बाद जो नेक्स्ट मुस्लिम सल्तनत है वो स्टार्ट होती है महमूद गजनवी की। ये जो गजनवी है ये अफगानिस्तान में एक प्रोविंस का नाम है गजनी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये हमारी गजनवी डेंसिटी है इसमें जो पहले थे वो थे अलपतगीन। अलपतगीन जो हैं ये पहले थे, ये एक स्लेव थे, गुलाम थे, और इन्होंने ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट में गजनवी डेंसिटी की बुनियाद रखी थी। लेकिन जो अलपतगीन है इनके बारे में बहुत कम पूछा जाता है। इनके बाद इनके दामाद थे सबकतगीन, सप्तगैन भी कुछ कहते हैं, सबकतगीन भी कहते हैं, तो ये उनके दामाद थे अलपतगीन, जिन्होंने जो है वो गजनवी डेंसिटी की बुनियाद रखी थी। अलपतगीन थे वो और इनके दामाद सबकतगीन थे। ठीक है, और उसके बाद जो फेमस हैं गजनवी डेंसिटी में, मिस लुबना स्लाइड नहीं शो हो रही, अलपतगीन के बाद सबकतगीन और जो फेमस हैं हमारी गजनवी डेंसिटी में वो हैं महमूद गजनवी। महमूद गजनवी क्यों फेमस हैं, इन्होंने
इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे 17 हमले किए हैं। ये किसी एक ही मकाम पे नहीं हुए, यानी सिर्फ सिंध पे, मुल्तान पे नहीं है, इन्होंने पूरे जो ये पाकिस्तान का एरिया है और ये जो हमारा ईरान है इस वक्त और अफगानिस्तान, इस सारे जो एरियाज हैं इनमें हमले किए और यहाँ पे फतुहात की और यहाँ पे काफ़ी जो है वो इलाके फतह किए। इन्होंने सिर्फ सिंध नहीं फतह किया, इन्होंने सिंध के साथ पंजाब और बलूचिस्तान का भी काफ़ी इलाका जो है वो इनके डायनेस्टी के अंदर अंदर था। महमूद गजनवी ये बहुत फेमस हैं गजनवी डायनेस्टी में। और इसके अलावा जो कुछ लोग हैं जो हमारे मुस्लिम्स हैं वो कहते हैं कि महमूद गजनवी ने जितनी भी फतूहात की उसके पीछे जो बैकग्राउंड था वो सिर्फ यही था कि मुसलमानों का जो हमारा दीन इस्लाम है उसको फैलाने की कोशिश थी। लेकिन जो हिंदुस्तान के हिंदू हैं वो कहते हैं कि नहीं, महमूद गजनवी का मकसद कुछ और था, वो माले गनीमत के लालच में ही किसी की तरफ भी नहीं हो रही। मिस लुबना से मैं कह रही हूँ कि दोबारा ट्राई करें। मैम, मैम मैंने मैंने शो शो के के लिए लिए मेरे हो रही है, मैं मैं उसको उसको दोबारा दोबारा ट्राई ट्राई करती करती हूँ। हूँ। हाँ जी, मैं मैं स्टॉप स्टॉप करके करके मैं मैं दोबारा दोबारा ट्राई करती करती हूँ। हूँ। स्टॉप करके स्टॉप दोबारा करके दोबारा दोबारा शेयर शेयर करें करें इसको। इसको। जी अब हुई है। अभी 1 सेकंड पहले। हाँ जी, ये इसको ऊपर करें, ऊपर वाले पेजेस पे, पेज नंबर 9 है ना? नहीं, मतलब नीचे। हाँ जी, और नीचे कुछ चीज़ें मोहम्मद बिन कासिम की स्क्रीन शो ना होने की वजह से रहेगी। हाँ जी, एक स्क्रीन नीचे। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है 31 दिसंबर 1695, और जो इनकी डेट ऑफ डेथ है वो 18 जुलाई 1715 है। ठीक है, इसके बाद यही लिखा हुआ है कि ये जो है ये सानिल्ला थे इराक के गवर्नर जाज बिन यूसुफ के। नेक्स्ट करें स्लाइड लुगना। काजिज ऑफ सिंध इन्वेजन क्या था? अटैक बाय राजा दहर। इसके अलावा अरब वाज इम्प्रिजेंड लेटर ऑन बाय देबल। इसके अलावा रिफ्यूज़ल ऑफ राजा दहर, वो माना नहीं बात इनकी। इसके बाद क्या हुआ? नेक्स्ट कर दें। कंपेन जो है ये थर्ड एक्सपीडिशन थी, ये तीसरा हमला था राजा दहर के पे मुसलमानों के अलावा। नेक्स्ट कर दें। सुपीरियर मिलिट्री इक्विपमेंट। हाँ जी, एक थी इनके पास मंजनीक, मंजनीक थी इनके पास जो उस वक्त इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोगों के पास नहीं थी। तो मंजनीक का काम क्या था? मंजनीक जो है ये क्या करती थी, बड़े बड़े पत्थरों को, जिस तरह हमारे पास ये आजकल जो है इनको क्या बोलते हैं, मुझे अब माइंड में नहीं आ रहा, जो 1965 की वार में टैंक्स। हाँ जी टैंक टैंकर होते हैं, इसी तरह ये मंजनीक थी। ये मूव भी करती थी, इसके नीचे कोई थे उसके पहिए वगैरह। इसमें काम क्या होता था कि ये बड़े बड़े जो है ना पत्थर, पहाड़ों के जो है ना पत्थरों को आग के साथ लगते थे, बड़े बड़े पुराने इंडिया के जो मंदिर थे वो इस मंजरीक के थ्रू तोड़े गए थे। तो इक्विपमेंट में ये मंजरीक जो है इसके बारे में पूछा जाता है कि मुसलमानों के पास वो कौन सा इक्विपमेंट था जिसके थ्रू जो है मुसलमानों मुसलमान जंग जीत गए थे हिंदुओं के खिलाफ। जी, आपकी आवाज़ सही क्लियर नहीं आ रही। आंसर ये जो आपने क्वेश्चन ये जो आपने बताया है क्वेश्चन मोहम्मद बिन की मोहम्मद इनकी पास हाँ जी, हाँ जी, दी। मोहम्मद। इसके अलावा रिलीजन डिवाइड स्प्रेड बिलीफ इन दी प्रोफेसी ऑफ मुस्लिम सक्सेस। अपने इस्लाम का जो है बोलबाला होने के लिए मुसलमान कर रहे थे कि हिंदुस्तान में भी इस्लाम एक समानीज था, बुद्धिज्म
के पैरोकार भी थे, सिर्फ हिंदू नहीं थे। इसके बाद वर्क्स क्या किए मुसलमानों ने यहाँ पे, लाई टैक्सेस। जब मुसलमानों की हुकूमत आई तो उससे पहले हिंदुस्तान में क्या थी, चार जातें थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन ये मुसलमानों में नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। सारे मुसलमान के आप, बल्कि पूरे दुनिया में जितने भी इंसान हैं सबको जो है वो बराबर, बराबरी पे जो है वो रखा जाता है। सबको हम कहते हैं कि हमारे मन में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई फर्क नहीं है। जब ये देखा वहाँ के जो हिंदू थे तो वो बड़ा बहुत इंप्रेस हुए मुसलमानों से, और उन्होंने बहुत जल्दी इनको कबूल किया। इसके बाद है सेपरेट कोर्ट्स फॉर मुस्लिम एंड हिंदूज। इसके अलावा जो यहाँ पे जितनी भी मिनोरिटीज थी सबको उनके दीन के मुताबिक जो है उनके साथ उनको डील किया गया। इसमें यहाँ पे बुद्धिज्म थे, सिख थे, हिंदू थे, ये सब के लिए जो है उनका अपना अपना सिस्टम मुतारिफ करवाया गया। रिटेन हिंदूज ऑन देयर जॉब्स, जितने भी हिंदू जो जिन पोस्ट पे काम कर रहे थे उनको उन पोस्ट पे रखा गया। किलिंग्स इन अर्लियर स्टेज जस्ट टू ब्रिंग पीस। शुरू में काफी ज्यादा खून रेजी की गई, वो जाहिर बात है डेथ जो है ओनली आफ्टर 4 ईयर्स जो है उमैया सल्तनत में हज्जाज बिन यूसुफ जो है उनकी भी बेटे थे, इनको भी जिस तरीके से मरवाया गया वो मैंने बता दिया। लेकिन ये आपने याद रखना है कि इनको कैद कहाँ पे किया गया और कहाँ मरवाया गया, ये इराक में। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है सुल्तान महमूद गजनवी। ये कब है, 971 इनकी डेट ऑफ बर्थ है, और 1030 तक मैंने बताया कि जो इस, ठीक है, अल पतरीन के आगे बेटे, सॉरी बेटे नहीं थे, दामाद थी सबकत गीन। और जो ये सबकत गीन के बेटे थे सुल्तान महमूद गजनवी। ठीक है, सुल्तान महमूद जो हैं ये, इनका नाम महमूद था और ये बेटे थे और किसके, उनके नवासे थे, अलपतरीन जो गजनवी डायनेस्टी के फाउंड। डायनेस्टी में इन्होंने 17 हमले किए हैं इधर आके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, और इन्होंने कब से कब तक हुकूमत की है, इन्होंने 971 में तो ये पैदा हुए हैं, और इन्होंने जो पहला हमला किया था इधर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो 1000 में था। ठीक है, 1000 के बाद 1001 में किया, और जो इनका आखिरी हमला था वो 1026 में हुआ है। 1026 में इन्होंने जो आखिरी हमला किया वो सोमनाथ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर था सोमनाथ का मंदिर, जिस पे जितनी दफा भी जहां जहां से मंगोलों ने सब ने हमले किए कोई भी फतह नहीं कर सका उस मंदिर को। तो हिंदुओं का जो बिलीफ था उसके बारे में वो कहते थे कि इसको कोई भी फतह नहीं कर सकता, और जब तक ये मंदिर है तब तक हिंदुओं को कोई हरा नहीं सकता, उन पे जो हमला करके उस पे कब्जा नहीं कर सकता। तो सोमनाथ का मंदिर जो है वो तोड़ा गया, 1026 हैं, और ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहला जो टाइटल मिला है सुल्तान का वो भी महमूद गजनवी को मिला है, और इसके अलावा सुल्तान का टाइटल पहली दफा जो है वो महमूद गजनवी को मिला है। इसके अलावा दो फेमस पर्सनैलिटी का पेपर में पूछा जाता है कि, और दूसरे हैं जो है वो अल बैरूनी, दूसरे अल बैरूनी है। ठीक है, ये दोनों किसके साथ आए हैं, तो इन्होंने क्या किया कि ये अल बैरूनी को भी साथ लेके आए थे और दाता गंज बख्श को भी साथ लेके आए थे, हजरत दाता गंज बख्श को। ठीक है, तो अल बैरूनी का इन्हें क्या फायदा हुआ, वो साइंटिस्ट थे,
तो जब जो हैं उस वक्त की फौजें थी कि इसकी छत पे चढ़ें और छत पे इसकी जो है ना छत की दीवार जो दीवार छत है उसको तोड़े। जब उसको तोड़ा गया तो उसके अंदर मैग्नेट था, यानी दरमियान में उसके लटकने की वजह क्या थी कि ऊपर भी मैग्नेट था और नीचे भी, फोर्स की वजह से वो झूल राली गई। तो क्या अंदर जो है वो टूट गए, उनकी आगे जनरेशन थी उन्हें भी नहीं पता था किसके अंदर क्या चीज लगी हुई है। वो तो उसको इतना ज्यादा जो है मुकद्दस मानते थे कि हमारा खुदा जो है वो बगैर सारे के नाउज मिला तो उन्हें शिकस्त हो गई। और ये जो है 1026 में जो ठीक है पहली जो है 17 टाइम जो उनकी एक्सपीडिशन थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो 1026 में है। और यहाँ पे जो है बास बुक्स में 1027 है लेकिन एक्चुअल जो डेट है वो 1026 है। ऑब्जेक्टिव की जो की है उसमें 1026 इसका सही आंसर है, तो आपने 1026 ही मार्क करना है। ठीक है, तो ये आखिरी इनका 17 टाइम हमला था इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे। ठीक है, ये लिखा हुआ है सोमनाथ के बारे में, दिस रेड वॉज हिज लास्ट मेजर कंपेन सोमनाथ 1025 टू क्रश हिंदू फॉल्स बिलीव सुल्तान महमूद डाइड ऑन अप्रैल 30। ये कहीं पे 1025 है कहीं पे 1027 है लेकिन एक्चुअल डेट जो है वो 1026 है जब बाकायदा ये टूट के और यहाँ पे जो है वो मुस्लिम सल्तनत की बुनियाद रखी गई थी। ठीक है, उसके बाद इनकी जो है वो डेट ऑफ डेथ है सुल्तान महमूद गजनवी जो है वो 1030 में वफात पा गए। और जो है बहुत ये सबको हो रही है, गेम चेंजर, गेम चेंजर जी बड़ा है। आवाज आ रही है मेरी क्लियर सबको? इसके बाद हैं सुल्तान, आप लोग बता नहीं रहे हैं, कोई मुझे बता दे रहा, कोई मैसेज ही कर दें कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्योंकि ये फिर उनके पास नेटवर्क इशू है। चलें ठीक है, नेक्स्ट है सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी। सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी, ये शहाबुद्दीन जो गौरी हैं ये गौरी डायनेस्टी से हैं और इनका असल नाम जो है वो मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम है। अब ये जो है ना हमारे पास इधर पाकिस्तान हिस्ट्री में ठीक है ख़ज़ाला अनवर, अच्छा ये मुइजुद्दीन जो नाम है ये हमारी हिस्ट्री में फेमस जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनमें तीन चार लोगों का नाम है तो आपने नोट कर लेना है। जो सबसे पहला है वो कौन सा है? मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। ठीक है, और ये किसका असल नाम है? ये सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी का है। ठीक है, अच्छा ठीक है, कहाँ के थे? अफगानिस्तान से थे। ठीक है, और ब्रदर गयासुद्दीन, ठीक है ये गौरी डायनेस्टी करा, गौरी डायनेस्टी ईरान में भी शामिल थी, उसमें ईरान भी शामिल था। ठीक है, लेकिन ये क्या है गौरी डायनेस्टी में
ठीक है, इंडिया का पार्ट नहीं था ईरान, अफगान, उच्च में इन्होंने जो है 1175 में हमला किया। इसके अलावा इन्होंने गुजरात में किया 1178 में, और लाहौर तक ये आए, सियालकोट को फतह किया। ठीक है, इसके अलावा ये जो हुई है ना, तरीन की जंगें, ये दो जो दूसरी जंगे, तरीन वन और जंगे तरीन दो, पृथ्वीराज के साथ हुई है जंग, क्या है गौरी डायनेस्टी जो है इसका स्टार्ट और एंड पूछते हैं, तो ये 1175 से 1206 तक है। ठीक है, इसके अलावा पूछते हैं इंडियन हिस्ट्री में और पाकिस्तान हिस्ट्री में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जितनी भी तारीख है उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह क्या है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो इनके गुलाम के बादशाह थे, दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली सल्तनत से पहले ये लोग क्या करते थे, ये गुलाम खरीदते थे जाके डिफरेंट एरिया से जाके, जो भी बच्चे थोड़ी उम्र में जो लोग खरीदते थे उनको ट्रेंड करते थे, उनको अच्छी घुड़सवारी सवारी सिखाना, उनको शमशीर जनी सिखाना, हर चीज पे उनको जो है वो कमांड लेके आते थे उनकी। उसके बाद देखते थे कि कौन सा उनका जो है वो कन्वर्ट भी करते थे, अपनी सारी डायनेस्टी का वारिस भी बनाते थे। इसी तरह शाहबुद्दीन गौरी ने भी किया, इन्होंने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक जो इनके गुलाम थे इन्होंने उसको अपनी सल्तनत का वारिस बनाया, और कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं कि ये दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला बादशाह भी है। ठीक है, तो मेड कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो था वजीर था, अरब इतने ज्यादा तो उनकी नस्ल में नहीं थे ना बच्चे, को हर जगह उनको गवर्नर लगा देते। उन्होंने क्या किया, गवर्नर किस तरह बनाए, हम गुलाम खरीदे उनके। दिल्ली सल्तनत का स्टार्ट होता भी है दिल्ली सल्तनत में जो है वो सल्तनत गुलामा, उसको ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं, असल यहाँ तक कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं।
अलबरूनी। हाँ जी, अल बैरूनी और दाता जो है गंजबख्श। इसके अलावा एक मैं चीज भूल गई हूँ, इब्ने बतूता। इब्ने बतूता जो है वो शहाबुद्दीन गोरी के इरा में आए हैं, उनके जो जो असर